राजेंद्र कुमार ने पहली बार 1 लाख रुपए कब और कैसे देखे, ये वाकया बताता हूँ। बात उन दिनों की है जब राजेंद्र कुमार आरजू फिल्म करने के बाद रातों रात स्टार बन गए, चर्चा में आ गए। अब एक दिन साउथ की मशहूर प्रोडक्शन कंपनी वीनस पिक्चर्स के मालिक एस कृष्णमूर्ति राजेंद्र कुमार से स्टूडियो मिले और बोले, सर आई वॉन्ट टू मीट योर होम हाउस, मुझे आपसे घर पर मिलना है। राजेंद्र कुमार जी ने कहा ठीक है, आज रात डिनर पे आ जाइए। इस पर कृष्णमूर्ति जी ने कहा, सर नो डिनर, सिर्फ 10 मिनट चाहिए। राजेंद्र कुमार ने कहा ओके, जैसी आपकी मर्जी। अब शाम हुई और निर्धारित समय पर कृष्णमूर्ति राजेंद्र कुमार के घर पहुंच गए। उनके हाथ में एक ब्रीफ केस था। कृष्णमूर्ति ने बैठते ही वो ब्रीफ केस खोला और 1 लाख रुपए सामने रखते हुए राजेंद्र कुमार से बोले, सर दिस इज 1 लाख योर एडवांस, मुझे आपसे इस कागज पर सिग्नेचर चाहिए। इसमें वो तारीखें लिखी हैं जो आपको शूटिंग के लिए वीनस पिक्चर्स को देनी है। बाकी रही प्राइस की बात, तो जो आप दूसरे प्रोड्यूसर से ले रहे हैं मैं उससे भी ज्यादा आपको दूंगा। राजेंद्र कुमार, जिन्होंने जिंदगी में पहली बार 1 लाख रुपए एक साथ देखे थे, वो इतनी रकम एक साथ देखकर टोटल सरेंडर के मूड में आ गए। बिना कुछ पूछे कि फिल्म क्या है, कहानी कैसी है, रोल क्या है, उन्होंने उस कागज पर साइन कर कृष्णमूर्ति जी को दे दिया। अब जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब राजेंद्र कुमार के मन में सवाल जागे कि कहीं उन्होंने बिना कुछ जाने फिल्म साइन करके गलती तो नहीं कर दी। पर मेरे मेहरबान दोस्तों, 1 लाख रुपए की रकम देकर जिस फिल्म को राजेंद्र कुमार ने साइन किया था, डर गए थे, आशंका में आ गए थे, वो जब रिलीज हुई तो उसने भी बना डाला इतिहास। और इस फिल्म की कामयाबी से राजेंद्र कुमार के करियर का सूरज उन ऊंचाइयों तक पहुंच गया कि वो बन गए उस वक्त के हाईएस्ट पेड फिल्म स्टार, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। इसी फिल्म की कामयाबी के बाद उनका नाम धीरे 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 आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा और एक पॉइंट पर वो कहलाने लगे जुबली कुमार, एक साथ लगातार सिल्वर जुबली हिट फिल्म देकर। और जिस फिल्म के लिए उनको जो शगुन 1 लाख रुपए का कृष्णमूर्ति जी ने दिया था, उस फिल्म का नाम था सूरज। वापस आकर बताऊंगा उस गीतकार के बारे में जिसने अपने जीते जी ये वसीयत की थी कि मरने के बाद उसके शरीर को हॉस्पिटल को दे दिया जाए ताकि वो किसी के काम आ सके। कौन था ये गीतकार बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।